कॉमेडियन कपिल शर्मा आए दिन किसी न किसी वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करने से लेकर सुनील ग्रोवर के साथ झगड़े होने तक कपिल शर्मा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ निजी जिंदगी को भी लेकर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। सबको हंसाने वाले कपिल एक बार फिर से काफी गुस्से में नजर आए। कपिल शर्मा के साथ फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और कपिल ट्वीट करके इंडिगो एयरलाइन पर बरस पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो शेयर कर कसम खा ली कि अब वो उस फ्लाइट में दोबारा कभी नहीं ट्रैवल करेंगे। जी हाँ, कपिल शर्मा ने इंडिगो एयरलाइंस को जमकर फटकारा है और उनकी सर्विस से हुई परेशानी को लेकर 3 ट्वीट्स किए हैं। साथ ही कपिल ने इस दौरान 2 वीडियोस भी शेयर किया। आपको बता दें, कपिल शर्मा ने बैक टू बैक इंडिगो को लेकर 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में कपिल शर्मा ने लिखा, डियर इंडिगो, पहले आपने हमें 50 मिनट का इंतजार करवाया और अब आपकी टीम कह रही है कि पायलट ट्रैफिक में फंस गया। क्या वाकई हमें 8 बजे उड़ना था और अभी 9:20 हो रहा है, अभी तक कॉकपिट में पायलट नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या ये 180 पैसेंजर दोबारा इंडिगो में फ्लाई करेंगे? कभी नहीं। इसके बाद कपिल शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि फ्लाइट से लोगों को उतारा जा रहा है। इस वीडियो के साथ कपिल ने कैप्शन में लिखा, अब सभी पैसेंजर्स को उतारा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि अब वो हमें दूसरे एयरक्राफ्ट में भेजेंगे, लेकिन हमें दोबारा टर्मिनल भेजा जा रहा है सिक्योरिटी चेक के लिए। वहीं कपिल ने अपने तीसरे ट्वीट में एक और वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग इंडिगो के स्टाफ से बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ लोग इस दौरान थोड़े गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ कैप्शन में कपिल ने लिखा है, लोग इंडिगो के झूठ की वजह से परेशान हैं। पैसेंजर्स की लिस्ट में कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ व्हील चेयर पर्सन हैं और कुछ की हालत भी ठीक नहीं। शेम ऑन यू इंडिगो। क्या आपके साथ इंडिगो एयरलाइंस में कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें जनता टाइम्स।